और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है, कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुजरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के
वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तत्तीय सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की